लोग आज वेंकटेश अय्यर की खराब फॉर्म चलते सुनील नारायण आज केकेआर की ओर से ओपनिंग करे, लेकिन आरोन फिंच ने ही उनको पहले ओवर में रनआउट करा दिया। इस वजह से केकेआर की गेम प्लान पूरी चेंज हो गई। चलो इस वीडियो में देखते हैं ओपनर सुनील नारायण कैसे रनआउट हुए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओवर की पहली बार पर ही आरोन फिंच डिफेंस खेल के शॉट लेने की कोशिश की, लेकिन बॉल जाकर कवर में तैनात हेटमार के पास गया। इसके बाद आरोन फिंच कॉल ना देकर खुद ही रन के लिए भागे। आरोन फिंच को देखकर नॉन स्ट्राइक एंड से सुनील नारायण भी भागे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे आरोन फिंच रन आउट हो जाए। इसके बाद हेटमायर की डायरेक्ट थ्रो जाकर स्टंप पे लगी, जिस वजह से सुनील नारायण रन आउट हो गए। इसके बाद राजस्थान टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि पहली ओवर में ही पहली विकेट मिल गया था उनको। केकेआर आज मैच पर बहुत बड़ा स्कोर को पीछा करते हुए अपनी दो सलामी बल्लेबाजी को भेजा था। सुनील नारायण भी पहले से बड़े बड़े शॉट खेल चुके और अपने टीम को जीत की ओर ले गए थे, लेकिन वो आज नहीं हुआ। आप सभी को क्या लगता है, केकेआर इस साल क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।